मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। क्या क्या कर दिया था, बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, सबके हित में हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था, सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे, आ इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। तो इसलिए चलिए, इस सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कह के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते रही थे, तो अटल जी का जो भी था, लालकृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है, देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का। आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं, और क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है, और उसको भूल करके कोई बात होगी, आप जरा सोच लीजिए। हम लोग आकर के कब तक देखते थे, यही ना पढ़ते थे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज तो हो गया पास किए हुए निकल जाए हुए 50 साल। अब बोलिए, यहाँ आते थे रोज, हम जाके यहाँ बैठते थे, यहाँ नमन करते थे, यही गांधी यहाँ पर जो घाट है यहीं पर बैठते थे हम, आप लोग जरा जान लीजिए। तो हम लोग कभी भूलेंगे, मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता से, अब वो उन्होंने जो हमको बताया था बचपन में एक एक बात, अब बाद में एक एक चीज हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए ये सब मत चिंता करिए, जो आजादी की लड़ाई है उसको नई पीढ़ी तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश में लगातार रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जरा जान लीजिए और किस तरह से देश को एक किया गया और समाज को एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया, लेकिन उसके बाद भी यहां पर सब है। तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है, तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। तो यही कहेंगे, बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो और कैसे एक एक जगह जाकर के लोगों को समझाए, ये सब झंझट मत करो, कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे सबको बताए, और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया, इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया, तब भूलते हैं, आज के दिन उनके हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तिलोगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है, इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था, बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करें, यही सब चक्कर में, समझ गए ना, इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ होगा क्लेमेंट नहीं, हम क्या के लिए रहेंगे, हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका दिया भी कर रहे हैं, और केंद्र में भी इतने तक किया जो कुछ भी था, लेकिन इन लोगों का क्या है, आई लोग सब भूल रहे हैं, जब अटल जी की सरकार थी तो कितना रेलवे का काम हुआ था, है?
आज कितना ज्यादा हुआ था। अब आजकल तो सब चीज को भुलाइएगा, रेल का अलग बजट खत्म कर दिए, अरे ये सब चीज तो होना ना चाहिए। तो ये सब तो अपने ढंग से चलाते हैं ना, सब चीज में देख ले, हम तो रोज अखबार देखते हैं। अब पढ़ने का तो कैसा लगता है, सब देखिए तो क्या न्यूज रहता है देख ना लीजिए, खाली उन्हीं लोगों का न्यूज रहता है। अरे आप लोग हम लोगों से पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत अभी दे दीजिए, इसके बाद हम लोगों के खिलाफ बोलेगा, वही सब खूब चलेगा, खूब चलवाइए। आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बोझ बन चुके हैं, इन सब बताइए ना। तो चलिए ना, आप कभी चल के देख लीजिए, जहाँ जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों से आपको पता चलेगा। ये सब लोग बहुत बुरी तरह चिंतित है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहा है। तो हमको क्या लेना देना, हम कभी कुछ बोलते हैं कुछ, हम तो अपना काम में लगे। किस बात की चिंता सर, किस बात की चिंता है? है किस बात की चिंता है उनको? कुछ चिंता हो गया है कि उनको कुछ मिले उलेगा नहीं यहाँ तो ऐसे ही सर 24 का चुनाव सर, नदी का तनाव सर कुछ फैलाया जा सकता है सर कुछ देश में ऐसा? अब तो बड़ा अच्छा होगा, देखिए ना 24 का चुनाव हुआ होगा तब देख लीजिएगा रिजल्ट जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ है उसका कोई मतलब है? कुछ नहीं। आज इसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सब ज्यादा बयान आज कर देते नहीं है। अभी तक बेचारा को कुछ नहीं बना रहा है तो बहुत अच्छा है, मेरे खिलाफ रोज बोलिए, कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है। 36 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी बिहार में लोकसभा, क्या 36 से ऊपर सीटें निकाल लेगी? यहाँ ये सब परिकल्पना है कभी वो 36 24 अरे काहे का, उस सबको कौन सी सीट मिलेगा तो जनता ना फैसला कर देगी। ये सब ऐसे ही बोगस बात करता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक थैंक यू।